दोस्तों, आज का जो चैप्टर है वो है क्लास 6 एनसीईआरटी का। लास्ट चैप्टर्स हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने सारे चैप्टर्स कवर कर दिए हैं, और आज का जो चैप्टर है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप करंट सिनेरियो में देखोगे तो अभी हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इंडिया में क्या आ रही है, कोरोना वायरस के कारण आ रही है। पानी की दिक्कत आ रही है क्योंकि कहीं पे बाढ़ आ रही है, कहीं पे पानी की कमी हो रही है, तो वाटर के ऊपर भी क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो हम बेसिकली आज जो मेन फोकस हमारा वाटर के ऊपर रहेगा, और साथ में हम दो चैप्टर्स एयर अराउंड अस और गार्बेज इन गार्बेज आउट को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज चलो स्टार्ट करते हैं, वाटर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहले देखो, अगर आपका देखो हम मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे ओशंस और सरफेस की बात करते हैं। ओशंस में क्या होता है कि मान लो सूरज की किरणें पड़ी तो क्या होगा, पानी क्या बनेगा, भाप बन के ऊपर उड़ेगा। तो ऊपर जाने के बाद वो क्लाउड बनाएगा, क्लाउड के साथ वो क्लाउड ट्रेवल करेंगे, सरफेस तक पहुंचेंगे, ठीक है, आपके घर तक पहुंचेंगे। वहां पे वो क्लाउड रेन बन के नीचे आएंगे, पानी नीचे आएगा, सरफेस तक पहुंचेगा, सरफेस से वो क्या करेगा, रिवर्स तक जाएगा, रिवर्स फिर उस पानी को ओशंस तक ले जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ओशन से ही चला पानी और ओशंस तक पहुंच गया, तो इसी को हम बोलते हैं वाटर साइकिल, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, और मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स समझा देता हूँ। जैसे कि पानी है, पानी जब भाप बन के ऊपर उठता है तो उसको हम बोलते हैं एवेपोरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि अब पानी है, जो पानी पेड़ों के ऊपर मतलब पेड़ उसको अब्जॉर्ब करते हैं पानी को, और वो पानी मान लो एक पेड़ है, ठीक है, पेड़ है तो उसमें पानी क्या करेगा, वो पानी को अब्जॉर्ब करेगा, पानी ऊपर की तरफ मूव करेगा, फिर उसके मतलब ब्रांचेस तक पहुंचेगा, ब्रांचेस से लीफ तक पहुंचेगा, ठीक है। फिर वो लीफ से क्या करेगा, लीफ से वो एवेपोरेट कर जाएगा। तो पानी मतलब जो वहां से प्लांट से मतलब भाप बन के उड़ता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, ठीक है। अब पानी ऊपर गया, क्लाउड्स बनने शुरू हुए, मतलब ऊपर क्या एयर है, पानी नीचे से जा रहा है, ठीक है। तो एयर के साथ वो मतलब ड्रॉपलेट्स बनाना शुरू करेगा, ठीक है। एयर और वाटर मिलके, वाटर वेपर्स मिलके ड्रॉपलेट्स बनाना शुरू करते हैं, तो वो ड्रॉपलेट्स को जब बननी स्टार्ट होती हैं तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। अब वो ड्रॉपलेट्स क्या हुई, मतलब इकट्ठी होती रही, बड़ी होती रही, बड़ी होती 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 थोड़ी हैवी होनी स्टार्ट हो गई, तो हैवी होके वो नीचे मतलब फिर रेन के रूप में गिरना स्टार्ट करती है, तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। जब रेन होती है, या फिर स्नो गिरती है, या फिर हेल्स आते हैं, थंडरस्टॉर्म मतलब जो आपके गड़े पड़ते हैं जिसको आप बोलते हो, तो वो सारे किसके कारण होते हैं, प्रेसिपिटेशन के कारण होते हैं, ठीक है। मतलब जो आपके ड्रॉपलेट्स थे वो हैवी हो जाते हैं जब, और हैवी होके जब नीचे रेन के रूप में गिरते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। कंडेंसेशन क्या है कि जो एयर जो आपके वाटर वेपर्स थे जब वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो रहे थे तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। जैसे कि आप मान लो कि आप फ्रिज से एक ठंडी पानी की बोतल निकालो और उसको बाहर रख दो, तो बाहर रखोगे तो आप देखोगे कि उसके आउटसाइड में क्या होता है, पानी की ड्रॉपलेट्स बननी शुरू हो जाती हैं। तो वाटर वेपर्स से जब आपकी वाटर ड्रॉपलेट्स बननी शुरू हो जाएं तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन, और जब वो भारी होकर नीचे गिरनी स्टार्ट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू आइस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड से सीधा गैसीय स्टेट में कन्वर्ट कर देना किसी भी मटेरियल को। वेपोरेशन क्या होता है, भाप बन के ऊपर उड़ना पानी का। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, रेन रेन के रूप में ड्रॉपलेट्स का कन्वर्ट होके रेन के रूप में आना, या स्नो के रूप में आना, ठीक है। प्रोसेस ऑफ फॉलिंग डाउन ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन स्नो और हेल इज कॉल्ड, जैसे मैंने आपको बताया, प्रेसिपिटेशन। हाउ मच वाटर इज लॉस्ट लॉस्ट अप्रोक्सीमेटली थ्रू ट्रांसपीरेशन बाय वीट प्लांट्स टू दैट गिव अस 1 किलोग्राम ऑफ वीट। अगर हमको 1 किलोग्राम वीट मिलता है तो उसमें कितना ट्रांसपीरेशन हो जाता है, मतलब पानी कितना उस वीट में से भाप बन के उड़ जाता है, तो वो अप्रोक्सीमेटली 500 लीटर्स के नियर अबाउट होता है। विच फॉर द फॉलिंग विल लीड टू अ रिडक्शन इन द अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर। देखो आजकल हम क्या कर रहे हैं, हम कंक्रीट रोड्स बना रहे हैं, तो कंक्रीट रोड्स बनाएंगे तो रेन आएगी, तो रेन का पानी है जो वो नीचे ग्राउंड में नहीं जा पाएगा, वो क्या करेगा, वो मतलब ड्रेन हो जाएगा, यहाँ से ड्रेन होने के बाद वो क्या होगा, रिवर्स में मिलेगा, ठीक है, रिवर्स से वो ओशन तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो पर्पस है कि ग्राउंड वाटर में पानी होना चाहिए जो आप ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हो, वो पर्पस सॉल्व नहीं होता बाय बिल्डिंग कंक्रीट रोड्स।
व्हेन आइस वाटर इज पोर्ड इनटू अ ग्लास टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर अपीयर ऑन द आउटसाइड ऑफ ग्लास ड्यू टू, देखो मैंने आपको बताया था ना एक पानी की बोतल है ठंडी, उसमें आप आइस डाल दोगे तो उसके बाहर एक पानी की ड्रॉपलेट्स बननी स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो ड्रॉपलेट्स जब बनती हैं तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। वाटर वेपर से वाटर ड्रॉपलेट्स बनती हैं तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशन एंड लैंड, मैंने आपको बताया था ओशन से पानी भाप बनकर ऊपर उठता है, बादल बनते हैं, बादल लैंड तक पहुंचते हैं, लैंड से पानी रिवर रेन के रूप में लैंड तक आता है, फिर वो पानी रिवर के थ्रू ओशन तक पहुंच जाता है, तो इसी को बोलते थे वाटर साइकिल। वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोटेबल वाटर, बोलते हैं हम उसको जो पीने के लिए सेफ हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, रेन वाटर जो होती है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होती है, इसको याद रखिएगा। और जो हमारी अर्थ में ओशंस और सीज हैं वो 2/3 है टोटल अर्थ का, ठीक। चलो, द ब्लैंकेट ऑफ गैसेज दैट सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमोसफेयर, बोलते हैं कौन सी गैस हमारी एयर में सबसे ज्यादा है, ठीक है वो नाइट्रोजन है। आइडेंटिफाई द गैस ओडरलेस कलरलेस हैवियर देन एयर सपोर्ट्स कंबस्शन, कंबस्शन करने के लिए हमको ऑक्सीजन गैस चाहिए, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एयर इज ओपेक, नहीं एयर इज ट्रांसपेरेंट है, उसमें से हम देख सकते हैं। एयर इज मेड अप ऑफ वन सब्सटेंस ओनली, नो। एयर कंटेन्स वाटर वेपर, यस। एयर में ह्यूमिडिटी होती है, वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। विच गैस इज प्रोड्यूस बाई प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, देखो प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं जो कि हम इनटेक करते हैं। गैस इज कलरलेस ओडरलेस हैवियर देन एयर एंड एक्सटिंग्विशेस फायर। अब देखो, अब एक गैस है, ठीक है, अगर मतलब जो आपकी आग बुझाने के लिए यूज होती है वो कौन सी गैस है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्योंकि देखो यार ऑक्सीजन तो कंबस्शन को सपोर्ट करती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, ऑक्सीजन को मतलब ऑक्सीजन की लेवल को कम कर देती है, और मतलब ऑक्सीजन कम रहेगी तो कंबस्शन नहीं हो पाएगी। विच गैस प्रेजेंट इन द एटमोसफियर अलाउज सब्सटेंस टू बर्न, ऑक्सीजन कंबस्शन के लिए हेल्प करती है। क्लोज ड्राई फास्टर व्हेन देयर इज लेस वाटर वेपर इन एयर, लेस वाटर वेपर होंगे तो ह्यूमिडिटी कम होगी, ह्यूमिडिटी कम होगी तो आपके क्लोज जल्दी ड्राई हो जाएंगे। हॉट एयर बलून राइजेस अप इन द एयर बिकॉज ऑफ, क्योंकि जो हॉट एयर होती है वो लाइटर होती है कोल्ड एयर से, तो लाइटर चीजें ऊपर उड़ेंगी और जो हैवियर चीजें वो नीचे आएंगी, तो वो जो बलून है वो राइज कर जाता है। अब रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स इज कॉल्ड, देखो प्लांट बॉडी से जो वाटर वेपोरेट करता है लीफ से, उसको बोलते थे ट्रांसपीरेशन, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट है आपका गार्बेज इन गार्बेज आउट के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक पूरा का पूरा जो ओपन लैंड होता है, ए लो लाइंग ओपन एरिया यूज टू स्टोर सिटी गार्बेज इज कॉल्ड, मतलब जहाँ पे कि कूड़ा इकट्ठा किया जाता है ओपन एरिया में, उसको क्या बोलते हैं हम, ये देखो ऐसा कुछ कूड़ा इकट्ठा किया जाता है ओपन में, फिर बाद में मतलब अलग अलग जगह से लाके इसको डंप कर दिया जाता है, फिर इसको उठा के इसका मतलब डिस्पोज के मेथड ढूंढे जाते हैं कैसे इसको डिस्पोज करना है। अब इसको हम बोलते हैं लैंडफिल्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स फॉर मेकिंग कंपोस्ट, कंपोस्ट क्या है, खाद बोलते हैं, खाद को हम बोलते हैं कंपोस्ट, ठीक है। तो वेजिटेबल पील्स जो होते हैं, वेजिटेबल के जो छिलके होते हैं, जैसे कि आप गाजर के ऊपर वाला हटा दो, आलू का ऊपर वाला हटा दो, तो उसको हम खाद के रूप में यूज कर सकते हैं। द रोटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सम मटेरियल्स इनटू मेन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग, देखो जो खाद बनाने को ही हम कंपोस्टिंग बोलते हैं, तो मैन्योर भी एक तरह का खाद ही हो गया, खाद बनाना। अब नेक्स्ट है, ग्रीन गैरबेज बिन इज यूज फॉर कलेक्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स, जो ग्रीन गैरबेज होते हैं वो यूज करते हैं फूड आइटम्स को स्टोर करने के लिए, ठीक है। किचन वेस्ट भी हो सकता है उसमें, प्लांट वेस्ट भी हो सकता है, एनिमल वेस्ट भी हो सकता है, डी इज द राइट आंसर। और जो ब्लू गैरबेज होते हैं, इसमें हम सॉलिड वेस्ट बेसिकली इकट्ठा करते हैं। सॉलिड वेस्ट में भी हम मतलब आप वो वाली चीजें, जैसे प्लास्टिक की कोई चीजें होगी तो वो हम इसमें यूज करते हैं ताकि हम उसको रिसाइकल कर पाए। मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड वर्म्स इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग, बोलते हैं इसको याद रखिएगा। रेड वर्म ग्राइंड द फूड विद द हेल्प ऑफ गिजर्ट, उनकी बॉडी में एक ये चीज होती है जो कि बॉडी को में फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करती है।
विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी थ्रोन इन ब्लू गैरबेज ओनली। तो मैंने आपको बताया जो मतलब आपके ब्रोकन ग्लास बोतल हो गई, ठीक है, प्लास्टिक्स हो गए, तो वो आप यूज कर सकते हो उसमें। वाई हॉट फूड आइटम्स शुड नॉट बी पैक्ड इन पॉलीथीन बैग्स आजकल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे करने से कैंसर हो सकता है, ठीक है। और डैश इज अ प्लेस वेयर अर्थवर्म इज रियर्ड इन प्लांट्स नर्सरी प्राइमेसिस, उनको पाला जाता है नर्सरीज में, ठीक है, अर्थवर्म को, क्योंकि उनको बाद में खाद के रूप में, खाद बनाने के रूप में यूज किया जा सकता है, कंपोस्ट पिट बोलते हैं उसको। तो ये थे बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस, इसको आप देख लो, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और इसके साथ हमारा जो क्लास 6 एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर थे वो सारे मैंने कवर कर दिए हैं। मैं होप करता हूँ कि आपको ये सारे चैप्टर्स मतलब आप पढ़ लिए होंगे और आपको मतलब बेसिक सारे क्लियर हो जाएंगे इससे। इसके बाद हम क्लास 7, 8, 9 और 10 डिस्कस करेंगे। तो चलो इसको पढ़ो, खुश रहो, थैंक यू।